Let me give a pause now here. Thoda Ruke. And let us just think as to what all we feel about the, 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 the article that's proceeding, the story that is proceeding. You must have found that the writer, Ashoka Matran, is a pretty sarcastic. सरकेस्टिक मतलब व्यंगात्मक ही हैज़ यूज्ड गुड्स अप्लाइड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इन हिज राइटिंग उन्होंने विस्तार से जब अपना आ, जेमिनी लैब का जेमिनी स्टूडियो का मेकअप लैब का वर्णन किया है तो लगातार एक के बाद एक मजाकिया अंदाज में कई चीज़ें उन्होंने बताई For example, how I used to sit in a corner and just busy cutting paper. For example, the behavior of that office boy and the way he used to slap colors on the faces of the crowd, the way hierarchy was being strictly maintained, and so on and so forth. In the course of this, he mentions beautifully the evolution of Germany Studio. When we proceed further, we will again find that same sense of humor continuously being seen, noticed in that article. हल्के हल्के फुलके मजाक के साथ लेखक ने उस काल के स्टूडियो के दृश्य का वर्णन किया है लेट अस प्रोसीड फर्दर अबाउट टू नो लिटल मोर अबाउट साबू सुबू अदरवाइज वेरी टैलेंटेड here goes the article you saw subbu always with the boss subbu hamesha apne boss ke sath rehta tha but his name in the attendance roll was grouped under a department called the story department वैसे तो वो बॉस के साथ ही घूमते रहता था एक तरीके से उनकी छाया की तरह मंडराता रहता था उनके साथ साथ लेकिन उसका जो नाम था अटेंडेंस रजिस्टर में वो एक ऐसे ग्रुप में था जो ग्रुप था स्टोरी डिपार्टमेंट का एक कहानी विभाग का कहानी विभाग के लोगों के साथ उसका नाम डाला गया था बिकॉज देखा जाए तो उसका तो वन मैन डिपार्टमेंट था केवल फाइलों को बनाना न्यूज़पेपर की कटिंग से उसमें कोई और तो था नहीं तो इसलिए वो वन मैन डिपार्टमेंट ना करके स्टूडियो के मालिक ने उसका नाम किसी एक एक उसी के स्तर के डिपार्टमेंट में उसका नाम डाल दिया और वो था कहानी विभाग दिस स्टोरी डिपार्टमेंट आल्सो हैड वन लॉयर अपार्ट फ्रॉम राइटर्स एंड पोएट्स लेखकों और कवियों का नाम तो उस रजिस्टर में था उस विभाग में था लेकिन उसके साथ एक लॉयर का नाम भी था एक अधिवक्ता का नाम भी था वकील का नाम भी था दिस लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइजर कानूनी सलाहकार अधिकृत रूप से ऑफिशियली मतलब अधिकृत रूप से अधिकृत रूप से उसे कानूनी सलाहकार भी कहा जाता था बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज ऑपोजिट रेफर मतलब उसको एक तरीके से उल्टा पुल, बोलना लेकिन हर कोई उसे उल्टा ही बोलते थे कानूनी सलाहकार तो उसका नाम था उसका दर्जा था उसका अहदा था उसके पद का नाम था लेकिन शायद उसकी गतिविधियाँ ऐसी थी कि लोग उसका उल्टा ही बोलते थे मे भी गैर कानूनी सलाहकार इलीगल एडवाइजर काइंड ऑफ थिंग सो दिस वॉज अनादर वेरी फनी थिंग अबाउट पीपल इन द जैमिनी स्टूडियो अब क्यों बोलते थे क्या है थोड़ा आगे इस पर जानेंगे एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस एक्स्ट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड विलक्षण प्रतिभा वाली एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्स्ट्रीमली टेम्परामेंटल जो स्वभाव से बहुत तुनक मिजाजी थी छोटी छोटी बात पे भड़क जाना गुस्सा हो जाना व्यवहार में बहुत तेजी से बदलाव आना वो कहलाता है टेम्परामेंटल तुनक मिजाजी व्यवहार तो एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस विथ एन एक्सट्रीमली टेम्पराेंटल एटीट्यूड वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट टू ब्लो ओवर मतलब नाराज हो जाना क्रुद्ध हो जाना टू ब्लो ओवर ब्लो माने वैसे फूकना होता है लेकिन ब्लो ओवर मतलब नाराज हो जाना ब्लू ओवर किसी बात को लेकर मंच पर वो बहुत नाराज हो गई एंड मेन एवरीबडी स्टूड स्टैंड जब हर कोई भौचक्का था उसके इस व्यवहार पे टू बी स्टंड मतलब भौचक्का हो जाना आई वॉज टू सी हिम ड्राइविंग मोटरसाइकिल आई वो स्टंड टू सी हंड्रेड ओल्ड मैन ड्राइविंग मोटरसाइकिल मैं सौ साल के व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते हुए भौचक्का हो गया इट वॉज ए स्टनिंग परफॉर्मेंस ऐसा परफॉर्मेंस जिसने सबको भौचक्का कर दिया उसे कहेंगे स्टनिंग परफॉर्मेंस

उसी समय ये लॉयर ने क्या किया स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो उसका रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था जिसमें फिल्म की शूटिंग के दौरान लोगों की बात रिकॉर्ड होती है उस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को चला दिया स्विच ऑन टू स्विच ऑन मतलब चालू करना स्विच ऑफ मैंने बंद करना तो ही स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ पॉज फॉर ब्रेथ सांस लेने के लिए जब वो थोड़ी रुकी तो लॉयर ने उससे कहा वन मिनट प्लीज एक बार थोड़ा रुके वो गुस्सा हो रही थी बड़बड़ा रही थी चिल्ला रही थी नाराज हो रही थी और उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया तो उसका एक गुस्सा और ये सब उसमें रिकॉर्ड हो गया किसने ऑन किया लॉयर महोदय ने और जब वो थोड़ा गुस्से क्रोध में जब थोड़ा सा उसने आ, अपने को रोका सांस लेने के लिए इससे पहले वो आगे गुस्सा होती लॉयर ने कहा एक मिनट थोड़ा रुकेंगे और ऐसा कह के उसने उस मशीन को ऑन कर दिया अर्थात उनकी आवाज़ को सुनाया वन मिनट प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ वॉट ऑल शी हैड सेड इन एंगर गुस्से में उसने जो भी कहा था वो तो उसने रिकॉर्ड कर लिया वकील ने और अब यहां उसको कहा मैडम एक मिनट रुकिए सुनिए थोड़ा और उसको सुना दिया देर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल उस रिकॉर्डिंग में जितना उसने किया था उसमें निर्माता के विरुद्ध अभिनेत्री के क्रोधपूर्ण जो भाषण था जो दे रही थी गुस्सा दिखा रही थी उसमें निर्माता के विरुद्ध उसने कुछ भी दोषारोपण नहीं किया था कुछ अकथनीय या गंदी बात नहीं कही थी कुछ भी नहीं था लेकिन गुस्से का इजहार कर रही थी किसी बात को लेकर लॉयर ने उस बात को सुना दिया देर वर नथिंग इनक्रिमिनेटिंग इनक्रिमिनेटिंग मतलब जैसे कहेंगे दोषारोपण से परिपूर्ण आपत्तिजनक इनक्रिमिनेटिंग मतलब आपत्तिजनक एंड देर वर नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल और ऐसा भी अकथनी कोई बात नहीं थी फाउल मैंने बुराई मने कोई बुराई ऐसी कोई बात भी नहीं थी किसके खिलाफ निर्माता के खिलाफ इन द टेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर टिरेड मैंने जो तेजी से भाषण दे रही थी जो तेजी से ब्ला 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 करके जो सुनाया जा रही थी उसे कहते हैं टेरेड तेजी से बहुत अपना गुस्सा दिखाना नॉन स्टॉप बोलते जाना एक तरी एक तरफा बोलते चले जाना उसे कहेंगे टिरेड तो वो टिरेड में ऐसा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था कुछ भी गंदी बात नहीं थी बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज डम्ब स्ट्रक लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ सुनी उस एक्ट्रेस ने लॉयर ने जब रिकॉर्डिंग को चलाया और चलाने के बाद जब इस एक्ट्रेस ने अपनी आवाज़ सुनी तो शिव डम्ब स्ट्रक डम्ब मतलब गूंगा स्ट्राइक से बना स्ट्रक तो वो वह भौचक्की हो गई वो गूंगी हो गई गूंगी हो गई मतलब एकदम कहना चाहिए कि कुछ बोल नहीं सकी एकदम घबरा गई जबकि उसमें कोई गलत बात उसने नहीं कही थी अपने गुस्से का इजहार किया था कि बस किसी बात को लेकर और यहां उसको नाराजगी किस बात क्यों क्यों डम्प स्ट्रक हो गई इतना क्यों हड़बड़ा गई क्योंकि उसको अंदाज नहीं था कि उसका एक गुस्सा रिकॉर्ड हो रहा है उसको लगा मेरे साथ धोखा हो गया और वो धोखे वाली दुनिया की लड़की नहीं थी When she heard her voice again through the sound equipment, she was dumbstruck. A girl from the countryside. Countryside मतलब होता है गाँव. Countryside यानि गाँव. याद रखेंगे village and countryside is same. Countryside माने गाँव. She was from a countryside. वो एक गाँव से आई हुई महिला थी, actress थी. शी हेड एंड थ्रू ऑल स्टेजेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस दुनियादारी के हर पड़ाव से वो नहीं गुजरी थी वो तो एक गांव से आई हुई एक्ट्रेस थी बिल्कुल नई नई थी दुनिया में दुनिया की शानो शौकत दुनियादारी में उसने तो अभी पैर रखा था कदम रखा था तो ग्रामीण से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हुई लड़की ये एक्ट्रेस उसने तो दुनियादारी ऐसी देखी नहीं थी और एक्सपीरियंस दुनिया के ऐसे अनुभवों से उसका सामना नहीं हुआ था जो सामान्यतया जनरली प्रोसीड ए पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन सफिस्टिकेशन ऑन शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटा पल्टेड इन टू कैटापल्ट क्या होता है आप गांव में या शहरों में भी कई जगह एक लकड़ी का वाई शेप में एक टुकड़ा बनाते हैं पेड़ के तने को ऐसा काटते हैं कि वाई शेप निकले और इसके बाद इसमें चमड़े की पट्टी और फिर ऊपर एक रबर टायर का रबर और फिर उससे क्या बनता है गुलेल गुलेल को कहते हैं अंग्रेजी में कैटापल्ट तो गुलेल का क्या काम है किसी पत्थर को मार बहुत दूर उछाल देना ऊपर उछालना बहुत ऊंचाइयों तक उछालना सो द गर्ल वैटापल्टेड फ्रॉम ए विलेज बैकग्राउंड टू सडनली दर्ल्ड ऑफ सोफिस्टिकेशन बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड बहुत ऐसी दुनिया में आ गई थी जहाँ उसका बहुत महत्व था बहुत सोफिस्टिकेटेड uh, uh, अलग ढंग की दुनिया में वो अचानक अपने को पाती है और इस जम्प में ग्रामीण पृष्ठभूमि से उस हाइट तक पहुंचने के दौर में उसने दुनिया को ज्यादा नहीं देखी थी तो अचानक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन गई थी शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी दैट डे टेरर मतलब घबराहट भयंकरता उसने जो आवाज़ अपनी रिकॉर्डिंग में सुनी या लॉयर ने रिकॉर्ड करके उसका गुस्सा जब उसको सुनाया तो वैसे तो उसने कोई बुरी बात कुछ थी ही की ही नहीं थी लेकिन उसको ये बात खराब लग गई एक्ट्रेस को और वो बहुत बुरी तरह घबरा गई कि मेरी आवाज मेरे क्रोध को रिकॉर्ड किया है घबराने का कोई कारण नहीं था लेकिन फिर भी घबरा गई क्योंकि वो ग्रामीण बैकग्राउंड से आई हुई लड़की थी और अचानक वो बहुत अच्छी ऊंचाइयों को पाकर एक, एक एक्ट्रेस बनी थी तो जो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसको जो झटका लगा जो तनाव आया उससे वो दोबारा उभर नहीं पाई ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड शी कुड नेवर रिकवर फ्रॉम दैट दुनियादारी की पद पर महत्वपूर्ण पद पर जब कोई पहुंचता है धीरे धीरे तो रास्ते में बहुत सी चीजें सीखता है वो लेकिन जो अचानक ऊपर पहुंच जाए जैसे कि एक्ट्रेस थी और प्रसिद्ध की ऊंचाइयाँ पाले अचानक तब बहुत संभल के कदम रखना पड़ता है बहुत तनाव आ जाता है वही तनाव इसको आया उस शौक से वो दोबारा उबर नहीं पाए उसने जिस पद पर अपने को अचानक चढ़े हुए पाया जिस ऊंचाई पर उसको मालूम था कि अधिकतर लोगों को उस ऊंचाई में पहुंचने पे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लेकिन ये तो अचानक पहुंच गई थी और वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की तो ये रिकॉर्डिंग को अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड को सुनकर वो एकदम तनाव में आ गई और शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन फ्रॉम द टेरर बहुत ज़्यादा घबरा गई दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर और इस प्रकार एक शानदार करियर का जो बड़ा संक्षिप्त था ब्रीफ यानी संक्षिप्त ब्रिलियंट माने शानदार एक्टिंग कैरियर समाप्त हो गया इतनी ज्यादा वो घबरा गई तो इसीलिए राइटर कह रहे हैं अशोक मित्रन कि वो जो लॉ एडवाइजर थे कानूनी एडवाइजर लीगल एडवाइजर वास्तव में लोग उनको उनको उल्टा बोलते थे क्या बोलते थे इलीगल एडवाइजर वो काम बिगाड़ देते थे And with this, the author says that the end that the girl's acting career came to an end. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about sad end. और ये सब क्यों हुआ? उसका acting career खत्म क्यों हुआ? क्योंकि ये legal advisor महोदय ने जो story जो जो वो भी story department के तो एक member थे अनविटिंगली अनजाने में उनकी ये मंशा नहीं थी कि लड़की का एक्टिंग करियर खत्म हो पर उनकी मंशा थी लड़की को बताना कि बहुत क्रोधित हो गए हो तुम एक्ट्रेस को बताना कि तुम बहुत क्रोधित हो गए हो ये बताने की मंशा थी पर दुर्भाग्य से हुआ क्या अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड बड़ा दुखदाई अंत करवा दिया उन्होंने किसका उस एक्ट्रेस की एक्टिंग करियर का बहुत दुखदायी अंत लीगल एडवाइजर की उस हरकत के कारण हो गया अच्छा वो लीगल एडवाइजर जो थे उनकी एक और विशेषता थी सुब्बू के बारे में इतना लंबा चौड़ा बताने के बाद आफ्टर टॉकिंग सो लॉन्ग अबाउट सुब्बू ऑथर इज नाउ टारगेटिंग द लीगल एडवाइजर एंड हिज हैबिट्स एंड सो नाउ ही सेज Not only was he a kind of illegal advisor, but he was something different also. While every member of the family, which family? Gemini family. Gemini में काम करने वाले जो सभी सदस्य थे, they wore a kind of uniform, एक uniform पहनके आते थे. और वो uniform क्या होता था? ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल एक ही जो बनावट हो लेकिन हाँ खादी की धोती विथ ए स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लम्बिली टेलर वाइट खादी शर्ट स्लाइटली ओवर साइज जो यूनिफॉर्म थी ऐसी अनाउंस नहीं हुई थी कि सबको इसमें आना है लेकिन उस समय की प्रथा थी ये कब की बात कर रहा हूं फ्रीडम मूवमेंट के दौरान की बात Before India became free, most of the people were wearing khadi. And Gemini Studio was no different. We will learn further about khadi in this very story. But right now, what you should know is that while every person wore khadi dhoti and slightly oversized, thola bada. Oversize and a bada. Size se bada. Slightly mane thoda. क्लम्जली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट क्लमजली टेलर्ड मतलब थोड़ा सा ऐसे ही सिला हुआ सफेद खादी का शर्ट तो खादी की धोती पहनते थे और सिला हुआ खादी के शर्ट पहनते थे द लीगल एडवाइजर ही वोर ए पैंट एंड ए टाई वाइल मोस्ट ऑफ देम वोर खादी ड्रेस दिस लीगल एडवाइजर वोर पैंट एंड ए टाई एंड कोट कोट ऑफ मेल पोस्ट ऑफिस का कोट दिखता था जैसे पोस्ट ऑफिस के उसी ढंग का वो कोट पहन के आ जाते थे टाई पहने रहते थे पेंट रहती थी और जबकि बाकी सब लोग खादी के कपड़ों में रहते थे तो इस मामले में भी लीगल एडवाइजर थोड़े से अलग ही थे ऑफन ही लुक एलोन एंड हेल्पलेस अधिकतर आ, अकेले ही दिखते थे उनके आसपास कोई नहीं रहता था आदमी ही ऐसे थे एंड हेल्पलेस और बड़े असहाय अच्छा टाइप के लगते थे किसी से उनकी बातचीत नहीं थी ज़्यादा अपने ही दुनिया में अलग रहते थे और सोचना भी अलग था आखिर अलग रह क्यों हो गए थे कपड़ों के कारण और एक्ट्रेस के साथ जैसी उन्होंने हरकत की उसके कारण और एक कारण और था वो था ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स वो जो व्यक्ति थे वो बड़े लॉजिक की बात करते थे हमेशा तर्क की बात करते थे हर बार हर बात में तर्क ले आते थे आखिर पेशे से वकील थे तो तर्क तो लाएंगे ही लेकिन बाकी लोग क्या थे बाकी लोग तो ड्रीमर्स थे ना फिल्म की दुनिया में काम कर रहे थे सो देर ऑल ड्रीमिंग सपनों की दुनिया में कल्पना की दुनिया में वो लोग रहते थे हवा में उड़ते थे कल्पना की उड़ान में रहते थे तो इस इस कारण भी ये महोदय अपने को अकेला पाते थे असहाय पाते थे असमंजस में पाते थे और बाकी लोग भी उनसे दूर रहते थे क्योंकि ये हमेशा तर्क और तार्किक की बातें करें तो ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक लॉजिक जो होता है तर्क उसको ऑथर ने कहा कोल्ड कोल्ड माने ठंडा कोल्ड लॉजिक मतलब नीरस नीरस तर्कों की बात करते थे यहाँ कोल्ड माने होगा नीरस जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो तर्क जो होता है तर्क तो सीधी सादी बात होती है बिल्कुल स्ट्रेट बात उसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते लेकिन कल्पना की उड़ान में तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो तो ये कोल्ड तर्क है सो ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर रीजन वाई डिफरेंट ए न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधी आइट एंड खादी आइट और इस प्रकार एक तरीके से एक न्यूट्रल आदमी था न्यूट्रल मतलब जो किसी के साथ ना हो एक गांधीवादी लोगों के खादी पहने हुए लोगों के से हट कर था अपनी सोच विचार में अपने रहन-सहन में अपनी हरकतों में और इसीलिए अपने को अकेला असहाय पाता था लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस ही वाज allowed to produce a film And though a lot of raw stock and pancake were used on it not much came out of the film Do means यद्यपि do means यद्यपि लाइक सो मैनी ऑफ दोज वेर क्लोज टू द बॉस बॉस के जो निकट थे उनको बहुत लोगों को बॉस ने फिल्म बनाने का मौका दिया था और उसी प्रकार लीगल एडवाइजर को भी मौका मिला और जब उन्होंने फिल्म बनाई तो बहुत पैनकेक का उपयोग किया खूब सारे मेकअप मटेरियल का उपयोग किया लॉट ऑफ रॉ स्टॉक और बहुत सारे माल का उपयोग किया एंड पैनकेक्स वे आर यूज लेकिन नॉट उाइल मच केम आउट ऑफ इट उससे ज्यादा कुछ मिला नहीं अर्थात बहुत पैन के खर्च हुआ बहुत आ, बहुत सामान लगा लेकिन फिल्म चली नहीं इट वॉज ए काइंड ऑफ फ्लॉप देन वन डे दॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एक दिन बॉस ने वो वो डिपार्टमेंट वो विभाग ही बंद कर दिया ही क्लोज इट डाउन And this was perhaps the only instance in human history where a lawyer lost his job. और इस प्रकार ये एक मात्र उदाहरण संभवतः दुनिया के इतिहास में बन गया Perhaps, संभवतः. Only instance, उदाहरण संभवतः एक मात्र उदाहरण बन गया मानव इतिहास में जहाँ एक वकील को अपनी नौकरी खोनी पड़ी या एक वकील की नौकरी खा दी गई क्यों बिकॉज पोएट वेयर आज टू गो होम क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो कवियों को कहा गया भाई अब आप लोग अपने अपने घर जाएं अब जरूरत नहीं है तो परिणाम क्या हुआ जब डिपार्टमेंट ही बंद हो गया तो ये जो सज्जन थे जो महोदय थे लीगल एडवाइजर इनकी भी नौकरी खत्म हो गई और इस प्रकार राइटर से अगेन विद ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर कि वकील जैसा आदमी जो तर्क में बातें करता हो संभवतः पहली बार नौकरी खोया होगा और ये उसका एकमात्र उदाहरण मानव इतिहास में संभवतः है बहुत हास्यास्पद बात उसने कही है लेखक ने तो दिस इज हाउ वी फाइंड दिस चैप्टर इनक्रिमिनेटिंग मीन्स क्या होता है टेम्पराेंटल तो मैंने बताया त्यक मिजाजी तो ब्लो ओवर मतलब उड़ा देना शांत कर देना इनक्रिमिनेटिंग मतलब दोषारोपण वाले दोषारोपण जिसमें किया हो शी ने विच वॉज इनक्रिमिनेटिंग आपत्तिजनक दोष लगाते हुए बात कुछ नहीं था टिरेड आई टोल्ड यू बड़ा क्रोधपूर्ण भाषण गुस्से में दिया गया भाषण जो होता है वो टिरेड जिसमें एक पक्षी आप लगातार बोलते चले जा रहे हो और स्टक डम दैट मीन्स ना बोल पाई बिल्कुल चुप हो गई कैटापल्ड गुलेल दैट मेक्स तमिल फिल्म पीपल हुई लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री ऐसे लोगों के बीच उसका क्या काम है जिनका जो लीस्ट अफोर्डेड पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री ऐसे लोगों के बीच में उसका क्या काम है जो जिनको अंग्रेजी कविता से दूर दूर का कुछ लेना देना नहीं उससे उनका क्या काम पीपल हुज लाइव जीवन जिनके जीवन में लीस्ट मतलब न्यूनतम एफोर्ड करना मतलब क्षमता होना पॉसिबिलिटी एन संभावना कल्टिवेट करना मतलब बढ़ाना टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री अंग्रेजी कविता के प्रति अपना रुझान बढ़ाने का इनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं यहाँ के लोगों का जैमिनी स्टूडियो के लोगों का उनके बीच में इस कवि का क्या काम करना क्या काम ऐसा स्टूडियो जो तमिल फिल्में बनाता है बड़ी सीधी सादी सरल फिल्में उनके बीच में आके भाषण देने का क्या काम सो वी वे ऑल बैफल्ड हम लोग को बड़ा अजीब लगा कि आखिर चक्कर क्या है द पोएट लुक प्रेटी बैफल टू अब हम लोग तो बैफल्ड थे लेकिन ये कवि महोदय भी कोई कम बैफल नहीं थे कोई कम असमंजस में नहीं दिख रहे थे कोई कम परेशान नहीं दिख रहे थे कभी भी परेशान अब ये तो बड़ी अजीब बात हुई कि इंग्लैंड से आया हुआ व्यक्ति इतना शानदार स्वागत मंच पे पहुंचता है उसके नाम से लंबा भाषण देते हैं द बॉस और खुद भी कुछ बोलता है और उसके बाद भी असमंजस में है द पोएट लुकड प्रेटी बैफल्ड टू पोएट भी बहुत ज़्यादा बैफल्ड दिख रहा था टू मने भी टी डबल ओ टू मने भी पोएट भी बैफल्ड दिख रहा था फॉर फॉर मने बिकॉज फॉर मैंने बिकॉज इसके पहले भी फॉर आया वहाँ बिकॉज क्योंकि फॉर ही मस्ट sheer शीयर of ऑफ इॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड travails ऑफ एन इंग्लिश पोएट अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ क्यों वो बैफल था वो बैफल इसलिए था क्योंकि वो जो बोल रहा था उसने महसूस किया क्या महसूस किया इनकॉन्ग्रिविटी इनकॉन्ग्रिविटी मतलब विसंगति मेल नहीं खा रहा था क्या चीज मेल नहीं खा रही थी टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवेल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट वो जो अपने रोमांच थ्रिल माने रोमांच आई हैड ए वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस वेन आई क्लाइम्ड दैट माउंटेन आई हैड ए वेरी थ्रिलिंग बड़ा रोमांचक अनुभव था थ्रिल और इनकॉन्ग्रिविटी मतलब असंगत और ट्रवेल मतलब दर्द ट्रवेल तकलीफें पीड़ाएं पीड़ा दर्द एक और ये कवि महोदय लंबा भाषण दिए क्या बोल गया समझ में नहीं आया क्योंकि उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम सब लोग बड़े असमंजस में थे कि चक्कर क्या है क्या है ये क्यों हुआ ये कार्यक्रम तो जितने असमंजस में हम दिख रहे थे उतने ही असमंजस में इस अंग्रेज को हमने पाया और शायद उसकी असमंजता का कारण था कि वो भी जो बेमेल दिख रहा था इनकाग्रिविटी ऑफ टॉक अबाउट थ्रिल एंड ट्रेवल्स अपनी दर्द अपनी पीड़ा अपने रोमांच उसके बारे में उसने क्या बोला होगा उसका जो प्रभाव जनता पर उसने महसूस नहीं किया क्यों वो लग रहा है उसको रोमांचित बातें उसने की होगी की है उसको लग रहा है कि मैंने बड़ी दुखदाई दर्द पीड़ा तकलीफों की बातें यहाँ की हैं लेकिन जनता से किसी तरह का उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला जनता वैसे ही शांत रही डेज रही समझ में नहीं आया क्यों क्योंकि जनता को उसकी भाषा ही समझ में नहीं आई उसका उच्चारण ही समझ में नहीं आया भाषा तो फिर भी समझ में आ जाती है अंग्रेजी लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहा था उसका उच्चारण थोड़ा अलग था परिणाम क्या हुआ कि जनता और पोएट के बीच में जो तादाद में होना था जो कनेक्ट होना था वो नहीं हुआ इनकांग्रुअस रहे और इन का मीनिंग मैंने आपको बताया विसंगत रहे दोनों में तालमेल नहीं हो पाया एक और वो थ्रिल की बातें कर रहा था रोमांच की तो यहाँ सुनने वाले लोग श्रोता बिल्कुल ठंडे बैठे हुए थे वो अपने दुख दर्द पीड़ा आदि की बात कर रहा था तो यहाँ पर इनके जनता लिसनर्स के जैमिनी स्टूडियो के जो लोग थे और जो और बाहर से आए हुए थे उनकी चेहरे की भावनाएं उस दुख दर्द को महसूस नहीं कर रही थी ऐसा लग रहा था तो इसलिए पोएट भी क्या रहा होगा बैफल रहा होगा असमंजस में रहा होगा कि हो क्या रहा है? हैड अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री उसकी जो यात्रा थी वो हम लोगों के लिए अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रही अर्थात मिस्ट्री मैने अजूबा अनएक्सप्लेन्ड मतलब जिसे जिसे समझा ना जा सके एक ऐसा अजूबा वो हमारे लिए रहा एक ऐसा अजूबा रहा कि हम समझ नहीं पाए कि हुआ क्या कौन आया क्यों आया किसका भाषण क्या भाषण श्रोता कौन लोग उनके सिर के पल्ले नहीं पड़ा सब क्या हो रहा था तब अनएक्सप्लेंड हिज विजिट रिमेंड अनएक्सप्लेन्ड